नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्लेसमेंट एजेंसी और ठेकाफर्ता के मार्फत लगे हुए कर्मचारियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। प्रशासनिक सुधार अनुभाग 3 विभाग ने अधीक्षक श्वाईमान सिंह हॉस्पिटल, कावटिया हॉस्पिटल और जेके लोन हॉस्पिटल को पत्र लिखते हुए प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे हुए कार्मिकों के संबंध में समग्र सूचना निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध करवाने को लेकर एक पत्र यहां पर जारी किए हैं। साथ ही जो इस विभाग का पत्र है 4593 दिनांक 29 अप्रैल, 15 मई और 24 मई का भी यहां पर हवाला दिया गया है। तो दोस्तों, प्रशासनिक सुधार विभाग ने अधीक्षक SMS हॉस्पिटल, कांवटिया हॉस्पिटल और जेके लोन हॉस्पिटल को पत्र लिखते हुए पूर्व जो पत्र है 29 अप्रैल, 15 मई और 24 मई द्वारा श्वाईमान सिंह हॉस्पिटल, कांवटिया हॉस्पिटल और जेके लोन हॉस्पिटल बजट घोषणा 2023-24 के प्रावधान अनुसार प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत लगे हुए कार्मिकों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में भिजवाने हेतु लिखा गया था। उक्त के संदर्भ में संबंधित अस्पतालों द्वारा आधी अधूरी सूचना प्रेषित की गई है, जो कि उचित नहीं है। तो दोस्तों, इनका कहना है कि जो भी सूचना यहाँ पर इन हॉस्पिटलों द्वारा भेजी गई है वो आधी अधूरी है, संपूर्ण सूचना नहीं है। अतः निर्धारित प्रपत्र के समस्त कॉलम की पूर्ति करवाने का श्रम करें। उक्त अस्पतालों में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे हुए कुल कितने ठेकाकर्मी लगे हुए हैं? क्या सभी ठेकाकर्मियों की सूचना प्रेषित कर दी गई है? आपके अस्पताल में लगे हुए समस्त ठेकाकर्मियों की जो सूचना है, निर्धारित प्रपत्र एक्सेल शीट में अविलंब मेल ID ard.ds3@rajasthan.gov.in पर भिजवाने के साथ ही कार्मिकों की सूचना प्रमाणित कर 2 दिवस में विशेष वाहक के साथ भिजवाने का श्रम करें। साथ ही इन्होंने कहा उक्त के संदर्भ में संलग्न जो प्रमाण पत्र है वो भी भिजवाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने SMS हॉस्पिटल, कांवटिया हॉस्पिटल और जेके लोन हॉस्पिटल को पत्र लिखते हुए जो ठेका कर्मचारी है, जो प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत जो कर्मचारी लगे हुए हैं, उनके सूचना यहाँ पर मांगी है। इन्होंने कहा कि जो भी आपके द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई है वो आधी अधूरी है, अतः निर्धारित प्रपत्र में संपूर्ण ठेका कर्मचारी और प्लेसमेंट एजेंसी के जो कार्मिक हैं उनकी सूचना भिजवाएं। साथ ही साथ इन्होंने लिखा है एक प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है वो भी अटैच किया कि आप अपने संपूर्ण जो ठेका प्रताय के जो कार्मिक हैं, जो प्लेसमेंट एजेंसी के जो मार्फत लगे हुए कार्मिक हैं, उनकी सूचना भिजवाते हुए एक प्रमाण पत्र है कि हमने सभी कर्मचारियों की जो सूचना है वो भिजवा दी है। इस प्रकार का प्रमाण पत्र भी आप सूचना सहित विशेष वाहक के साथ 2 दिवस में भिजवाने का श्रम करें, आप देख सकते हैं। साथ ही जो एक्सेल शीट है वो अविलंब ard.ds3@rajasthan.gov.in पर जो मेल आई डी उस पर भिजवाने का लेकर लिखा है। आप देख सकते हैं अशोक कुमार शर्मा जो शासन उप सचिव हैं, उनके डिजिटली साइनों से 21 अगस्त 2024 को 16:55 और 42 सेकंड पर यह पत्र जारी किया है। साथ ही आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर को भी प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन किया है कि सूचना भिजवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का शर्म क्रम है। आप देख सकते हैं, मैं जो बता दूं, प्रमाण पत्र जो है इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर संबंधित जो हॉस्पिटल्स हैं उनके द्वारा दिया जाएगा कि प्रमाणित किया जाता है कि इस अस्पताल में कुल जैसे कि 1000 ठेका कर्मचारी लगे हुए तथा प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत लगे हुए समस्त ठेका कर्मचारियों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित कर प्रेषित कर दी गई है। प्रेषित सूचना के अलावा अन्य कोई भी ठेका कर्मचारियों की सूचना शेष नहीं है। अधिकारी का नाम, मय, पद और शील के साथ ये सूचना जो प्रमाण पत्र है वो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, बार बार सूचना मांगने के बावजूद भी नहीं भिजवाने को लेकर यहाँ पर प्रशासनिक सुधार विभाग ने सख्त रवैया अपनाया है। साथ ही साथ जिसने अभी तक आधी अधूरी सूचना भेजी है वो संपूर्ण सूचना भिजवा दें, ताकि जो सूचना है वो कलेक्ट की जा सके और राजस्थान RLSDC बोर्ड के गठन की जो आगामी जो कार्रवाई है वो की जा सके। तो दोस्तों, साथ ही अब यहाँ पर शक्ति दिखाते हुए एक प्रमाण पत्र भी जारी किया है कि आप ये प्रमाण पत्र भी भिजवाएं, ताकि जो ये संबंधित संस्थाएँ हैं वो मना नहीं कर सकती कि हमने सूचना भिजवाई है या नहीं भिजवाई है या आधी अधूरी भिजवाई है। तो दोस्तों, संपूर्ण सूचना भिजवाने को लेकर निर्धारित प्रपत्र में एक पत्र 21 अगस्त को जारी यहां पर कर दिया है। साथ ही साथ निर्धारित प्रपत्र में सूचना
के साथ ही साथ एक प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। विशेष वाहक के साथ 2 दिवस में ये प्रमाण पत्र और सूचना मांगी है। पर जो सूचना की जो एक्सल सीट है वो avilam.ard.ds3@rajasthan.gov.in पर मांगी है। साथ ही समस्त जो सूचना की हार्ड कॉपी और प्रमाण पत्र विशेष वाहक के साथ भी भिजवाने का निवेदन यहाँ पर किया है। प्रमाण पत्र का फॉर्मेट भी यहाँ पर अटैच किया, आप देख सकते हैं कि प्रमाणित किया जाता है कि इस हॉस्पिटल में कुल इतने ठेका कर्मचारी लगे हैं तथा प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत लगे हुए समस्त ठेका कर्मचारियों की सूचना जो है निर्धारित जो प्रपत्र है उसमें प्रमाणित कर प्रेषित कर दी है। प्रेषित सूचना के अलावा अन्य कोई भी ठेका कर्मचारी की सूचना शेष नहीं है। बड़ी अपडेट दोस्तों, काफ़ी यहाँ पर समय से ये सूचना मांगी जा रही है, आप देख सकते हैं 29 अप्रैल के माध्यम से भी ये सूचना मांगी गई थी, 15 मई के माध्यम से भी सूचना मांगी गई थी, 24 मई के माध्यम से भी ये सूचना मांगी गई थी, फिर भी आधी अधूरी सूचना यहाँ पर मांगी प्राप्त हुई है। इसी को लेकर 21 अगस्त को पत्र लिखते हुए संपूर्ण सूचना के साथ साथ संपूर्ण सूचना प्रमाणित सूचना भिजवाने का जो प्रमाण पत्र है वो भी 2 दिन में यहाँ पर मांगा है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।